नमस्कार, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की कुछ ऐसी दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है जो कि बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप देख रहे हैं टेली खजाना। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन सबसे महंगा है और कौन नहीं है महंगा। शिव ठाकरे को आखिरकार किसने पछाड़ डाला? शिव ठाकरे, जिन्हें कि ये दावा किया जा रहा था कि सबसे महंगे खिलाड़ी शिव ठाकरे हैं, बट उनको पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार खतरों के खिलाड़ी में अर्चना गौतम से लेकर शिव ठाकरे ले लीजिए, प्लस अपने डेजी शाह है, नायरा बनर्जी है, और बहुत अलग अलग कलाकार हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर सबसे पहली और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार शिव ठाकरे क्या सबसे महंगे, क्योंकि बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि शिव ठाकरे 10 लाख पर एपिसोड चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा भैया वाह, ये तो मजे आ गए, मतलब शिव ठाकरे सचमुच में मार्केट वैल्यू बढ़ना इसी को कहते हैं, 10 लाख पर एपिसोड, OMG। लेकिन दोस्तों अब खबर ये आई है कि शिव नहीं बल्कि दूसरी कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा महंगी है, जिन्हें 12 लाख पर एपिसोड मिल रहा है। कौन है वो? वो और कोई नहीं बल्कि सलमान खान के साथ काम कर चुकी सलमान खान की एक्ट्रेस है। आपको बताना चाहता हूं तो शिव ठाकरे को जहां पर मात्र 6 लाख पर एपिसोड मिल रहे हैं, तो 10 लाख वाली एपिसोड की बात एकदम सरासर गलत है। मीडिया पोर्टल्स में भी आ चुकी है कि शिव ठाकरे को 6 लाख पर एपिसोड मिल रहे हैं, तो जितने ज्यादा वो रह गए हैं उतने ज्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑफ कोर्स, राइट। और उसके साथ साथ अब दोस्तों शिव ठाकरे को पीछे छोड़ दिया है सलमान खान की हीरोइन, यानी कि नन अदर देन कौन, हमारी प्यारी डांसर, बताओ कौन? समझ गए होंगे आप दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नन अदर देन, कौन सी फिल्म में थी अपने, ये इसमें भी तो थी, माई बिजनेस इज योर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस। तो सलमान खान की हीरोइन डेजी शाह को सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी बन चुकी हैं वो, खतरों के खिलाड़ी में सबसे ज्यादा महंगी 12 लाख पर एपिसोड। तो अगर वो 4-5 एपिसोड भी जी लेती हैं तो भैया पूरे महीने का, पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा उनके, साल क्या मतलब आराम से रह सकती हैं वो। सो यस गाइज, इस तरीके की एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ साथ जो अपडेट और आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपको बस बने रहना है चैनल के साथ, देखते रहना है टेली खजाना। ओ बाय द वे, आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि जितना प्यार आपने टेली खजाना को दिया है उतना ही ज़्यादा प्यार राहुल भोज कॉमेडी को दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें नए चैनल को जहाँ पे आपको अमेजिंग कॉन्टेंट मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, बल्कि आप जाकर खुद YouTube में टाइप कर सकते हैं राहुल भोज कॉमेडी, वहां पर आपको ढेर सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा। बाय बाय।